नमस्कार। भाजपा के नैया को बिहार में पार लगाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव पटना पहुंच चुके हैं। पटना आकर उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं से बात करेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी बात करके भाजपा को बिहार में जम के चुनाव लड़ने की तैयारी का मूल मंत्र भी देंगे। साथ ही साथ भाजपा के उखड़ रहे पांव को जमाने के लिए भूपेंद्र यादव ने बीड़ा उठाया है। भूपेंद्र यादव का मानना है कि भाजपा के कार्यकर्ता अगर एकत्रित होकर एक मत से अगर चुनाव लड़ते हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार भाजपा बना सकती है। बैसाखी का सहारा भाजपा को लेना नहीं पड़ेगा। भाजपा के गिरते साख, कोरोना काल में गिरते साख और नीतीश कुमार की छवि में गिरावट आने के बाद भाजपा स्वयं को मजबूत करने में लग गई है। अब भाजपा की मंशा है कि नीतीश कुमार के गिरते साख को देखते हुए भाजपा स्वयं अपने आप को मजबूत करे और अपने पैरों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करे। अब देखना यह है कि भाजपा की अंतर्कला क्या रंग लाती है, क्योंकि भाजपा के अंदर में भी कुछ जातिगत अंतर्कलह भी पनप रही है जो कई बार सामने प्रेस तक आ चुका है। अब अंतर्कलह को समेटते हुए नीतीश के गिरते प्रभाव को देखते हुए भूपेंद्र यादव समीक्षा करेंगे बिहार में और समीक्षा के बाद में रिपोर्ट केंद्रीय कमेटी को सौंपेंगे कि आखिर बिहार की दशा और दिशा किस तरह सेट किया जाए ताकि भाजपा पूर्ण बहुमत में आवे। अब भाजपा के गिरते साख को बचाने के लिए नीतीश के गिरते लोकप्रियता को देखते हुए क्या भाजपा अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी, यह देखना रोचक होगा। आप जुड़ चुके हैं खबर बिहार 24 न्यूज चैनल के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।